हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैंने अपने लास्ट वीडियो में जो आपको पोशाक बनाना बताया था, अब मैं आपको चुनरी बनाना बता रही हूँ, आपको किस तरह से चुनरी आप डेकोरेट कर सकते हैं। ये सबसे पहले हम उसी तरह की जो कैरी है वो बनाएंगे। तो हमने जो चीट्स पिरो के रखी थी वो हम जो है यहाँ पर 7 इंच के वापस से ले लेंगे। देखिए इस तरह से हमें जो है 7 इंच की हम 3 कैरी बनाएंगे। जो पल्ला हम इन करते हैं उस पर हम कैरी नहीं बनाएंगे, ठीक है। तो हम पहले ग्लू से एक कैरी का शेप में जो है बना लेंगे। तो हम पहले ग्लू से इस तरह का जो कैरी का शेप है वो बना लेंगे। चलिए तो पहले ये कर लेते हैं। और मेरे जो नेक्स्ट वीडियो में है, आप लोगों को बंद कली का लहंगा देखने को मिलेगा, जिससे आप लोग जो है बंद कली का लहंगा आसानी से सिल सके। मैं कुछ ऐसे आपको आसान तरीके से सिखाने की कोशिश करूँगी। मुझे काफ़ी लोगों ने जो है बंद कली और बॉर्डर वाले लहंगे के लिए कमेंट्स किए थे, सो मैं वो जो है आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊँगी। सो ज़रूर देखिएगा मेरे उस वीडियो को, और अगर आपको वो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा। हम जो है इस तरह से कैरी की शेप की डिज़ाइन देने के बाद इन चीट्स को बिल्कुल बराबर उसी कैरी के ऊपर लगाते जाएंगे। इस तरह से जो है बिल्कुल हल्के हल्के हाथ से इसको लगाना है। सो इस तरह से जो है उसी कैरी के शेप की जो अपन ने डिज़ाइन बनाई थी, जो ग्लू से अपन ने किया था, फैब्रिक ग्लू से, उसके ऊपर हमें जो है इसको लगा लेना है। और बाद में जो है इस धागे को, बचे हुए धागे को कट कर लेना है। ये चीट्स आपको पहले से ही पिरो के रखनी होंगी और धागा आपको एक्स्ट्रा लेना होगा, ताकि जो है आप इसको आगे ला के बाद में पीछे जो 7-7 इंच की कैरी बनाने के लिए रख लें, बाकी का जो बचा हुआ है धागा वो कट कर लें। इस तरह से जो है आपको एक कैरी की शेप में ये चीट्स यहाँ पे लगा देनी है। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर जो है बीच में एक कुंदन लगाएंगे सबसे पहले, जो कि बिल्कुल बीचों बीच जहाँ गोल शेप दिया हुआ छोटा, उसके बीच में वो कुंदन लगेगा, जिससे वो काफ़ी अच्छा लगेगा, जैसे आँख के डिज़ाइन के जैसे, देखिए इस तरह का कुंदन। सो हम पहले एक छोटा सा डॉट बना देते हैं इस तरह से, और अब जो है इस कुंदन को यहाँ पे मैं लगा दूँगी। देखिए इस तरह से मेरे पास बारीक सी चिमटी है, जिससे मैं इसको पकड़ के अंदर इस तरह से जमा दूँगी। देखिए ये हो चुका है, तो इस तरह से जो है ये लग जाएगी। अब हमें क्या करना है, इसके ऊपर जो दीपक की शेप में जो कुंदन है वो कुंदन भी लगा लेना है। मतलब ये सेम वही डिज़ाइन है जो डिज़ाइन मैंने कुर्ती कांचली और लहंगे पे बनाई थी केरी के शेप में, सेम उसी तरीके आपको जो चुनरी होती है ओढ़नी, उसको जो है 3 पल्ले पर बना लीजिए। जो पल्ला अपन इन करते हैं लहंगे के अंदर डालते हैं, उस वाले पल्ले को छोड़कर आप चारों जो तीनों पल्ले बाकी के रह जाते हैं उनके ऊपर जो है आप ये कैरी लगा सकती हैं। और अगर आपको तीनों पर नहीं लगाना हो तो जो पल्ला अपन आगे रखते हैं मेन ओढ़नी को सर पर रखकर जो आगे के साइड में आता है, उस वाले पल्ले पर आप सिर्फ वो एक कैरी भी बना सकते हैं। सो मैं जो है यहाँ पर 3 बना रही हूँ। फिर जो ये दूसरे वाले कुंदन हैं जो मुझे कैरी के अंदर लगाने हैं, सो मैं पहले ग्लू से डॉट बना दूंगी, उसके बाद मैं इन डॉट्स के ऊपर जो है ये कुंदन चिपका दूंगी। इस तरह से जो है मैं सारे कुंदन 1 बाय 1 सभी को इसी तरह से चिपका दूंगी। जब ये पूरी तैयार हो जाएगी तो काफ़ी अच्छा इसका लुक होगा और ये काफ़ी अच्छी लगेगी ओढ़नी। और क्योंकि जो है तीज आने वाली है, कहते हैं कि तीज के टाइम बिल्कुल हमें मार्केट से नया कपड़ा लाकर पहनना चाहिए अगर हम तीज का व्रत करते हैं। सो मैं तीज के लिए ये पोशाक तैयार कर रही हूँ, अपने लिए ही कर रही हूँ। सो मैं इसको तीज को पहनूँगी। तीज वाले दिन मैं आपको जो है एक वीडियो बनाकर सभी के लिए बनाऊँगी, वो वीडियो जिसमें मैं आपको मेरी वो पोशाक पहनी हुई दिखाऊँगी। सो इस तरह से जो है आप भी घर पर आराम से अपने किसी भी फेस्टिवल के लिए, ज़रूरी नहीं है तीज, चाहे वो दीपावली हो, होली हो, या अदर कोई करवा चौथ हो, कोई भी हो, आप सभी फेस्टिवल के लिए घर पर इस तरह से पोशाक जो है तैयार कर सकते हैं इजीली। बहुत ही आसान रहता है, सस्ता रहता है, और जब अपन खुद कुछ इस तरह का काम करते हैं तो ज़्यादा खुशी भी होती है। हमें जो है बीच में मिरर भी लगाने हैं, तो पहले जो है गोल मिरर हम लेंगे और उस पर जो है फैब्रिक ग्लू लगाएंगे। इस फैब्रिक ग्लू लगाने के बाद उसको बिल्कुल यहाँ बीच में रख देना है। और फिर जो दूसरे वाला मिरर है
वो वाला भी, उस पर भी हमें इसी तरह से फैब्रिक ग्लू लगाना है और उसको भी यहाँ पर इस तरह से जो है चिपका देना है। बिल्कुल ध्यान से हम रखेंगे। अगर हो सके तो आप जो है चुनरी के नीचे अखबार रखें, क्योंकि अगर अखबार चिपक ही जाएगा तो कोई बात नहीं, हम उसको बाद में उठाएंगे या पानी से धोने से जो है अखबार निकल जाएगा। सो इस तरह से जो है आप नीचे अखबार रखेंगे तो भी चलेगा, छोटे छोटे इसी साइज के अखबार काट कर आप रख सकते हैं, क्योंकि बाद में जब अगर आप इसे वॉश करेंगे तो ये ग्लू आसानी से नहीं उतरेगा, अखबार जो है उतर जाएगा। सो इस तरह से आपको तीनों पे इस तरह के बना लेनी है। देखिए जैसे मैंने तीन पल्ले पर बनाए हैं, मैंने जो है एक पल्ला छोड़ा है जो है अपन लहंगे के अंदर इन करते हैं, वो वाला पल्ला मैंने यहाँ पर छोड़ दिया। देखिए अब हमें क्या करना है, लहंगे के यहाँ पर जिस तरह के अपन ने लहंगे के नीचे जो डिज़ाइन बनाई थी दीपक और मिरर से, उसी टाइप की हमें जो है यहाँ पर भी इस तरह से बनाना है। मैं आपको दिखा देती हूँ, आपको जो है चुनरी पर इस तरह जो मिरर है उनको रखना है और थोड़ा सा ऊपर की साइड में जो है एक दीपक की शेप का जो कुंदन है वो लगा लेना है। अब जैसे मैं यहाँ पे आपको ये सिर्फ ये करके दिखा रही हूँ, थोड़ा सा आपको बाद में सभी जगह पे इस तरह से कर लेना है। जब आप पूरी चुनरी पर इस तरह से लगा लेंगे तो इस तरह का होगा। और जो मैं पहले ही बता रही थी, जो पल्ला इन होता है लहंगे के अंदर उसको छोड़ देना है। देखिए दो साइड से इन होगा, पहले थोड़ा सा फोल्ड होगा फिर वो इन होता है, तो एक पल्ला जो होता है उसको इस तरह से आपको इतना सा छोड़ देना है जिसको अपन इन करते हैं। तो इस तरह से जो है ये हो चुका है। अब हमें जो है बारीक वाले कुंदन लगाने हैं, सो हम वो भी लगा लेते हैं। चलिए सबसे पहले तो जो है इनके ऊपर आप बीच में कहीं पर भी दूर दूर तक जो है मिरर भी चाहें तो लगा सकते हैं। पहले हम छोटे कुंदन लगा लेते हैं, तो चलिए हमें इसे थोड़ा नीचे रखना पड़ेगा। ये देखिए इस तरह से मैंने जो है सभी पल्ले पर लगाए हैं, और जो मेन फ्रंट में जो पल्ला आएगा उसके ऊपर मैंने ढेर सारे कुंदन जो लगाए हैं। बाकी दो पल्लों पे जहाँ पे केरी बनाई थी उन पे मैंने हल्के हल्के मिरर लगाए हैं, मतलब थोड़े कम कम, और जो फ्रंट में जो पल्ला आएगा उस पे मैंने थोड़े ज़्यादा कुंदन लगाए हैं। बाकी जो पूरी ओढ़नी है उसके अंदर आप इसी तरह के कुंदन जो है दूर दूर लगाएगा, इतना पास पास नहीं, बहुत दूर दूर, जिसमें कि वो कम दिखे और एक एक दो दो नज़र भी आए कि हाँ उस पर जो है इस तरह के जो वर्क है वो हुआ है। लेकिन मेन पल्ला है उसको आप इस तरह से जो है हैवी लुक दे सकते हैं, काफ़ी अच्छा लगेगा ये। सो इस तरह से मैं यहाँ पे ये जो फ्रंट वाला पल्ला है उसको मैं ज़्यादा भर रही हूँ, और बाकी के जहाँ मैंने दो केरी बनाई थी उन पर मैंने जो है बिल्कुल कम से कुंदन लगाए हैं, ज़्यादा नहीं लगाया है। सो अब आप बीच में यहाँ पर सभी जगह पे मिरर या इस तरह के कुंदन हैं जो लगा सकते हैं। सो मैंने देखिए बीच में कहीं कहीं पर मिरर भी लगाए हैं, ये देखिए इस तरह से, और जो मेन पल्ला है उसके ऊपर मैंने काफ़ी जो है हैवी लुक दिया है उसको, देखिए। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक ज़रूर करें।